इवन तो मेरे पास एक TCS NQT का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं समझते हैं फिर मैं बताता हूँ इसको कोड कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड k, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवे हैं n एंड k, द टास्क इज़ टू प्रिंट द kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n। मतलब हमें ये n का जो फैक्टर होंगे उसमें से kth लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। जैसे इनपुट फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट लाइन कंटेन सिंगल इंटीजर n, ठीक है, n को कंटेन करेगा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन कंटेन सिंगल इंटीजर k, सिंगल इंटीजर k को कंटेन करेगा, जो कि हमारा वो डिपेंड वो बताएगा कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है, लार्जेस्ट फैक्टर फाइंड करना है n का। ठीक, आउटपुट सिंगल आउट शोइंग kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n, मतलब सिंगल आउटपुट होगा जो शो करेगा kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n। जैसे एग्जांपल है यहाँ 12 3, तब हमारा n इज इक्वल टू 12 है, और कितने नंबर का फैक्टर हमें शो करना है, थर्ड, तब थर्ड लार्जेस्ट फैक्टर हमें शो करना है, तो आउटपुट आ जाएगा 4। जैसे एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12, तो इसमें से इसका थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट 12 है, सेकेंड लार्जेस्ट 6 एंड फोर्थ थर्ड लार्जेस्ट 4, तो इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ 4 आया। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल दूसरा है, इनपुट 30 एंड kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा है 2, मतलब 2th लार्जेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 15, क्योंकि हमारा 30 का फैक्टर होता है 1 2 3 5 6 10 15 30, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फैक्टर हो गया 30, सेकेंड लार्जेस्ट फैक्टर हो गया 15, जो हमारा आउटपुट है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कोड किया हुआ मैंने पहले से, यहाँ पे मैंने एक पहले फंक्शन डिफाइन किया है, उसका नाम है kth लार्जेस्ट फैक्टर, जो दो पैरामीटर इनपुट लेगा वो होंगे n एंड k। ठीक है, फिर एक लूप चलाएंगे n से लेके 0 तक, मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाएंगे n से लेके 0 तक। ठीक, और यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ n रिमाइंडर i इज इक्वल टू 0, मतलब n से 0 तक हम काउंट जा रहे हैं, और n से बीच में डिक्रीज, n से बीच में हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो n को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर हो गया तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया ना, एक फैक्टर मिल गया, इसलिए हम k इज इक्वल टू k माइनस 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करें कि k 0 हो गया, मतलब हमें एक ही फैक्टर फाइंड करना था, तो k तो 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो रिटर्न i, मतलब i हमारा वो है kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n। अगर ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, पूरा फॉर लूप चल गया और ये कोई भी कंडीशन नहीं आया, रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 हमें ये डिटेक्ट करेगा कि हमने कुछ जो इनपुट दिया वो इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हैं n एंड k, n इज इक्वल टू int इनपुट, फिर k इज इक्वल टू int इनपुट, फिर एट लास्ट हम प्रिंट kth लार्जेस्ट फैक्टर कर रहे हैं n कॉमा k डाल के, तो ये कैलकुलेट होगा और हमें kth लार्जेस्ट फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे इनपुट डालेंगे हम 12, ठीक है, और कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, हम डालेंगे थर्ड, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 4। सिमिलरली अगर इसको दोबारा रन करेंगे फॉर 30, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम 30 डालेंगे, और कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 2 करेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा, जो 15 जो हमारा है सेकेंड लार्जेस्ट फैक्टर है 30 का। इस हिसाब से हमने अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।